हेलो एवरीवन वेलकम टू स्कोर हाई आई एम अर्शदा अग्रवाल एंड इन अ करंट अफेयर्स एनालिसिस सीरीज टुडे वी विल बी डिस्कसिंग हाउ विटामिन डी डेफिशिएंसी कुड बी हार्मफुल टू कोविड 19 पेशेंट्स तो हाल ही में साइंटिस्ट ने पता किया है कि वाइटामिन डी की डिफिशियंसी वो कोविड नाइनटीन के पेशेंट्स के लिए और ज्यादा हार्मफुल हो सकती है तो ये क्या है और वाइटामिन डी डेफिशिएंसी से क्या होता है ये हम अभी आगे इस लेक्चर में पढ़ेंगे ये पर्टिकुलर टॉपिक आपके लिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होगा इन योर एग्जामिनेशन लाइक यूपीएससी एस एस सी एंड अदर कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन तो रिसेंट रिसर्च पर साइंटिस्ट विटामिन डी कैन बी वन ऑफ द रीजंस बिहाइंड ऑफ कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स तो जो कोविड नाइन्टीन के पेशेंट्स हैं उनकी डेथ हो रही है साइंटिस्ट कह रहे हैं उसमें अगर वाइटामिन डी की कमी है तो वो भी एक रीजन हो सकता है नॉट द रिसर्च डज नॉट क्लेम दैट द वाइटामिन डी कैन प्रिवेंट पीपल फ्रॉम कॉन्ट्रैक्टिंग द वायरस बट इट कूड बी हेल्पफुल इन रिड्यूसिंग कॉम्प्लीकेशन एंड प्रिवेंटिंग डेथ इन सम ऑफ द इन्फेक्टेड पेशेंट्स ठीक है तो ये नहीं बोला कि वाइटामिन डी अगर होगा तो आपको वायरस नहीं होगा उन्होंने बोला कि अगर वाइटमिन डी की कमी नहीं होगी तो कॉम्प्लिकेशंस कम हो जाएंगे और डेथ प्रिवेंट की जा सकती है तो बेसिकली जो वाइटमिन डी की डेफिशिएंसी होती है नॉर्मल केसेस में वो होती है इनएडिकुएट एक्सपोजर टू तो सनलाइट तो जो नॉर्मल ट्रॉपिकल कंट्रीज में ये दिक्कत इतनी ज्यादा नहीं होती है क्योंकि एडिक्वेट सनलाइट होती है लेकिन अगर आप बेल्ट में ऊपर जाएंगे तो ये प्रॉब्लम होगी क्योंकि इनएडिकुएट सनलाइट होती है तो विटामिन डी डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होती है और हाल ही में मेट्रो सिटीज में भी आपको ये प्रॉब्लम्स दिखने लगी है विटामिन डी डेफिशिएंसी की ज्यादातर लोग क्या होते हैं ये ऑफिस में काम करते हैं आर विचार वी एसीज तो सनलाइट पे एक्सपोजर काफी कम होता है तो उनके अंदर ये डिफिशियंसी होती है ठीक है ना द रिसर्चर्स हैव नोटिस दैट कैन कम्पेयर विद पेशेंट्स फ्रॉम लेस इफेक्टेड कंट्रीज कोविड नाइन्टीन पेशेंट्स इन कंट्रीज लाइक इटली स्पेन एंड यूके विच हैव हाई कोविड नाइन्टीन मोरटेलिटी रेट हैड लो लेवल्स ऑफ वाइटामिन डी इन देर बॉडी तो जो पेशेंट्स थे जो जैसे इटली स्पेन और यूके में जहाँ पे कोविड नाइन्टीन मोर्टेलिटी रेट्स बहुत ज़्यादा है वहाँ पर वाइटामिन डी की डिफिशेंसी बहुत है मतलब वाइटामिन डी की कमी है उनकी बॉडी में

ठीक है तो ये होता है कि अगर विटामिन डी की कमी होगी तो ओवर रिएक्टिव हो जाएगा इम्यून सिस्टम नाउ विटामिन डी नॉट ओनली इन्हांस द इनहेरेंट इम्यूनिटी ऑफ द बॉडी बट ऑल्सो प्रिवेंट्स द इम्यून सिस्टम फ्रॉम गेटिंग डेंजरसली ओवर एक्टिव तो वाइटामिन डी होता है तो वो हमारी बेसिकली इम्यूनिटी बढ़ाता है और इम्यून सिस्टम को ओवरली एक्टिव होने से बचाता है ठीक है नाउ वेन द इम्यून सिस्टम गेट्स ओवर एक्टिव इट गिवस राइज टू एन इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स जिसे कहते हैं साइटोकिन स्टोम ठीक है विच इज वन ऑफ द रीजन फॉर डेथ इन कोविड नाइनटीन पेशेंट्स ठीक है एक इन्फ्लेमेटरी मतलब इन्फ्लेमेशन हो जाता है सूट जाना जिसे कहते हैं जैसे साइटोकिन स्टोम कहते हैं वो एक रीजन है कोविड नाइनटीन के पेशेंट्स के डेथ का साइटोकिन स्टोम क्या है फॉर माइक्रो ऑर्गेनिज्मी द इम्यून सिस्टम ऑफ द बॉडी गेट्स एक्टिव एंड डिप्लॉयजो होते हैं इन्फ्लेमेटरी सेल्स टू फाइट अगेंस्ट द वायरस ना दिस फाइट कॉज इज स्लाइट इन्फ्लेमेशन इन दैट लोकलाइज्ड एरिया ठीक है तो अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर कर रहा है बॉडी में तो हमारी इम्यून सिस्टम एक्टिव हो गई और उसने साइटोकिन डिप्लॉय कर दिया कि जाके उसको फाइट करे लेकिन अगर वाइटामिन डी की कमी है तो ये बहुत ज्यादा मात्रा में हो जाएंगे और बहुत ज्यादा इन्फ्लेमेशन हो जाएगा नाउ बट वेन द इम्योकिज इन अज अमाउंट ज्यादा अमाउंट में रिलीज करते जिससे हाइपर इन्फ्लेमेशन हो जाता है इसे कहते हैं साइटोकिन का स्टोम की साइटोकिन भर गए बहुत सारे आ गए विच कॉज सेल डेथ इसकी वजह सेल्स की डेथ हो जाती है ऑर्गन डैमेज होता है एंड इवेंचुअली डेथ हो जाती है इन सम क्रिटिकल पेशेंट्स नो इट हैज बीन रिपोर्टेड दैट इन द केस ऑफ कोविड पेशेंट्स द नाइनटीन इज मोस्टली सीन इन लंग्स विच लीड्स टू रेस्पिरेटरी फेलियर तो जो साइटोकिन स्टोम है जो इन्फ्लमेटरी सेल्स आने होते हैं, बहुत सारे आते हैं वो लंग्स में आते हैं जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है तो इससे हमें क्या पता लगता है कि हमें वाइटामिन डी फिशियंट अमाउंट पे लेना चाहिए जो बहुत ही सिंपल है आपको सन से एक्सपोजर होना चाहिए विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ बॉडी सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस टॉपिक इफ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डोन्ट फरगेट टू सब्सक्राइब टू अर चैनल सो दिस वॉज ऑल अबाउट दिस वीडियो वील बी मीटिंग अगेन विद्यू टॉपिक थैंक यू सो मच